पूरे बिहार से 250 डॉक्टरों की टीम बक्सर के स्वास्थ्य महाकुंभ में मरीजों का इलाज कर रही है। बक्सर के किला मैदान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने फीता काटकर इस स्वास्थ्य महाकुंभ का शुभारंभ किया। दो दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम बिहार में पहला और इकलौता स्वास्थ्य महाकुंभ है जिसका आगाज बक्सर में हुआ है। किला मैदान के प्रांगण में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस स्वास्थ्य महाकुंभ का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य के दृष्टि से आप समझो इसका नतीजा क्या होगा। नतीजा ये होगा कि हर व्यक्ति का यानी 1.25 अरब की जनसंख्या का 30 साल की उम्र में जैसे जैसे लोग 30 साल होंगे और उससे ऊपर के जितने लोग हैं सबका हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रसी, महिलाओं का सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और महिला और पुरुष दोनों का ओरल कैंसर, डेंटल केयर, मेंटल केयर और जीरियाटिक केयर, ये सब की स्क्रीनिंग 30 साल की उम्र में भारत के हर नागरिक की करनी जाएगी। इस तरीके का हम लोग से निरोग की ओर ले चलेंगे। इस महाकुंभ में कुल 65 स्टॉल लगे हैं जिसमें आंख, कान, पेट, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जन सहित आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एक्यूप्रेशर सहित अनेक प्रकार के तरीकों से इलाज करने की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रत्येक स्टॉल में 4 डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे। इस अवसर पर बक्सर पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री ने किला मैदान में लगे 65 स्टॉलों का निरीक्षण किया और जनता से भी मुलाकात की। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महाकुंभ को अद्भुत बताते हुए कहा है कि भारत सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अपना भरपूर कोशिश कर रही है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लोगों का इलाज कराना हो या स्वास्थ्य महाकुंभ के माध्यम से जनता का इलाज कराना। आज जिस आयुष्मान भारत की चर्चा माननीय चौबे जी कर रहे थे, ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का कार्यक्रम है और ये छोटा कार्यक्रम नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप गांव गांव में लोगों को बताएं, भारत की आबादी 1.25 अरब से ऊपर है और इसमें 10,74,00,000 परिवार यानी 55 करोड़ लोग यानी भारत की 40% की आबादी, और 40% की आबादी 55 करोड़ कितना होता है? सारे अमेरिका की आबादी, सारी कनाडा की आबादी और मेक्सिको की आबादी, ये तीनों की आबादी जोड़ दे तो वो भारत का आयुष्मान भारत बनता है और गरीब लोगों को 5,00,000 रुपए का हेल्थ कवरेज देने का कार्यक्रम किया है। इस पहल से जनता को कितना फायदा होता है और क्या फायदा होता है ये देखना होगा। बक्सर से पुष्पेंद्र कुमार, बिहार तक।